हेलो एवरीवन, टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म में जब हमारी पॉलीपैटली की फैमिली पिछले लेक्चर में आपको बताई थी, पहले फैमिली रैननकुलेसी आपको बताई थी, सेकंड जो पॉलीपैटली की फैमिली है अपने कोर्स में कैपेरिडेसी उसके बारे में आपको बताया था, और आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैमिली लेग्यूमिनेसी, जिसको फैबेसी भी नाम दिया गया है। फैमिली जो नया नाम है इसका फैमिली फैबेसी, पहले इसको लेग्यूमिनेसी के नाम से जानते थे और नया नाम दिया गया फैबेसी। नाम बदलने के पीछे कारण ये था इसमें कि जो ICBN नियम बनाता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, उसके अनुसार जो भी हम फैमिली लिखते हैं उनमें पीछे सफिक्स CEAE आना चाहिए था, जबकि लेग्यूमिनेसी में इस तरह का सफिक्स यूज़ नहीं होता है, इसलिए इसका नाम चेंज किया गया। दूसरा रीज़न ये भी है कि कोई भी फैमिली है उसका जो नाम है उसके एक प्लांट है पर बेस्ड होना चाहिए। फाबा एक प्लांट है जबकि लेग्यूम इसका एक फ्रूट का टाइप है, उसके बेसिस पे इसका नाम दिया गया था। इन कुछ रीज़न से जो ICBN ने नियम बनाए थे तो उसके आधार पर इसका लेग्यूमिनेसी का नाम कर दिया था फैबेसी। लेकिन जैसा मैंने ICBN नॉमेनक्लेचर पढ़ाया था तब बताया भी था कि कुछ नाम ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, तो उन नामों को भी हम काम में ले सकते हैं। तो हम इसको लेग्यूमिनेसी भी कह सकते हैं और फैमिली फैबेसी भी कह सकते हैं। बाकी हम जानते हैं कि इसका जो कॉमन नाम है ये मटर फैमिली के नाम से जाना जाता है, पी फैमिली है। इस फैमिली का जो इम्पोर्टेंट प्लांट है मटर है, इसलिए इसको पी फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। लेग्यूमिनेसी फैमिली की सबसे पहले यदि सिस्टमेटिक पोजीशन देखें इसकी, एंजियोस्पर्म डाइकोटिलेडनी द्विबीजपत्री में आती है। ये द्विबीजपत्री के कैरेक्टर आपको पहले भी बता दिए गए थे, इसमें पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन होता है या जालिकावध शिराविन्यास होता है, फ्लावर पेंटामेरस और टेट्रामेरस होता है। सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है तो वेस्कुलर बंडल ओपन होते हैं इनके अंदर। फिर हम क्लास की बात करते हैं, क्लास पॉलीपैटली में आता है। पॉलीपैटली का मतलब यही है कि इनके जो पेटल्स होते हैं वो पृथक होते हैं। अब आपको बताया था पॉलीपैटली के अंदर तीन श्रेणियां आती हैं, जब बेंथम हुकर का वर्गीकरण हम पढ़ते हैं तो उसमें तीन श्रेणियां आती हैं, थैलेमी फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी और कैल्सी फ्लोरी। तो तीनों में डिफरेंस क्या है? जो थैलेमी फ्लोरी पहली दो फैमिलीज हमने पढ़ी हैं वो थैलेमी फ्लोरी के अंदर आती हैं। थैलेमी फ्लोरी के अंदर फ्लावर हाइपोगाइनस होता है और ओवरी सुपीरियर होती है, जबकि डिस्की फ्लोरी के अंदर वो डाइकोट फैमिलीज रखी गई हैं उनमें भी पुष्प हाइपोगाइनस होगा और ओवरी सुपीरियर होती है, लेकिन नीचे ओवरी के नीचे एक डिस्क पाई जाती है, इसलिए डिस्की फ्लोरी नाम दिया गया। और तीसरी जो सीरीज है इसमें वो आती है कैल्सी फ्लोरी। उसमें डिफरेंस क्या है? कैल्सी फ्लोरी के अंदर जो फ्लावर होता है एपिगाइनस और पेरीगाइनस होता है, अधोजायांगी या फिर परिजायांगी। के मीनिंग भी मैंने आपको टर्मिनोलॉजी में सारे बता दिए थे। अधोजायांगी का मतलब होता है पुष्प के जो भाग हैं वो जायांग के आधा जायांग के ऊपर से उत्पन्न होते हैं, ऊपरी जायांगी कहते हैं, और परिजायांगी का मतलब होता है कि न तो जायांग के ऊपर से उत्पन्न होते हैं और न ही जायांग के नीचे से निकलते हैं, मध्य में से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसको पेरीगाइनस कहते हैं। तो तीनों सीरीज के अंदर डिफरेंस होता है थैलेमी फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी और कैल्सी फ्लोरी। थैलेमी फ्लोरी और डिस्की फ्लोरी में सिर्फ डिफरेंस यही है कि डिस्की फ्लोरी में ओवरी के नीचे डिस्क पाई जाती है, बाकी कैरेक्टर सेम होते हैं, फ्लावर हाइपोगाइनस होता है, ओवरी सुपीरियर होती है। अब लेकिन ऐसे डाइकॉट प्लांट जो पॉलीपेटलस होते हैं जिनमें पेटल पृथक होती हैं लेकिन फ्लावर एपिगाइनस हो या पेरीगाइनस हो, उस केस में जो ओवरी है वो कैसी हो जाती है? इन्फीरियर हो जाएगी।
जब पुष्प ऊपरी जायांगी होगा या परिजायांगी होगा, इस केस में ओवरी इंफीरियर या फिर हाफ इंफीरियर, इस फैमिली के जो मेंबर होंगे उनमें पुष्प या तो पेरिगाइनस होगा या फिर एपिगाइनस होगा। तो ओवरी इंफीरियर या हाफ इंफीरियर इसके अंदर पाई जाती है। लेग्यूमिनेसी जो कुल है ये थर्ड इसका ऑर्डर है रोजेस और फैमिली लेग्यूमिनेसी या फैबेसी। दिस फैमिली लेग्यूमिनेसी इज द थर्ड लार्जेस्ट फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। हमने यह नाम दिया थर्ड लार्जेस्ट फैमिली। तीसरी सबसे बड़ी पुष्पीय पादपों का कुल है ये, लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली इन डाइकोटिलेडन द्विबीजपत्री में ये सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली के अंतर्गत आती है। तो अब ये है कि क्वेश्चन ये आया कि सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली डाइकोट की है तो फर्स्ट कौन सी हुई। फर्स्ट इज एस्टरेसी, ये आगे आप पढ़ेंगे फैमिली। सबसे लार्जेस्ट फैमिली है डाइकोट की एस्टरेसी, तो सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली हो गई लेग्यूमिनेसी। अब आता है थर्ड लार्जेस्ट फैमिली ऑफ टोटल जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उसमें ये थर्ड लार्जेस्ट फैमिली है। तो अब टोटल फ्लावरिंग प्लांट में फर्स्ट लार्जेस्ट फैमिली कौन सी हुई। पोएसी, या जिसको हम ग्रैमिनी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि एक मोनोकॉट फैमिली है। ठीक है, तो यहाँ पे ये यदि हम बात करें फ्लावरिंग प्लांट की तो फर्स्ट लार्जेस्ट फैमिली इज पोएसी, सेकेंड इज एस्ट्रेसी एंड थर्ड लार्जेस्ट फैमिली हम पढ़ रहे हैं फैबेसी। और डाइकॉट की बात करें तो डाइकॉट के अंदर ये सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली है और डाइकॉट की फर्स्ट लार्जेस्ट फैमिली है एस्ट्रेसी में आती है। जो लेग्यूमिनेसी है फैमिली, इस फैमिली को तीन सब फैमिली के अंदर विभाजित किया गया है, तीन सब फैमिली में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर, पुष्पीय लक्षणों के आधार पर। किसके बेसिस पर? पुष्पीय लक्षण। पुष्पीय लक्षण में कौन कौन से कैरेक्टर हो सकते हैं इसमें? पुष्प की सिमेट्री, जो पहला कैरेक्टर आप इसमें ले सकते हो सिमेट्री के बेसिस पर। सिमेट्री आपको पता ही है, बताया था दो तरह की होती है, या तो एक्टिनोमॉर्फिक होगी या फिर जाइगोमॉर्फिक होगी, आइदर एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। सिंबल मैंने बताए हैं इसलिए मैं सिंबल यहां पर यूज कर रही हूं। फिर हो सकता है टाइप ऑफ कोरोला, कोरोला के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, जब आप सब फैमिलीज पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में बताएंगे टाइप कोरोला के किस प्रकार के होते हैं। तीसरा है एस्टाइलेशन, विन्यास, और चौथा कैरेक्टर दिया है स्टेमंस के कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ स्टेमंस के आधार, उनके सरों के आधार के कैरेक्टर्स। तो तीन सब फैमिली में डिवाइड किया है पुष्पीय लक्षणों के आधार पर। पुष्पीय लक्षण में फ्लावर की सिमेट्री को एक क्राइटेरिया लिया है, दूसरा क्राइटेरिया लिया है टाइप ऑफ कोरोला के बेसिस पे, तीसरा क्राइटेरिया इसमें लिया है विन्यास किस प्रकार का होता है दल और बाह्य दल का, और चौथा जो मेन क्राइटेरिया लिया है वो स्टेमंस की संरचना, स्टेमंस का नंबर। तीन सब फैमिलीज कौन कौन सी हैं आप? पेप्लियोनॉइडी, दूसरी सीजलपिनॉइडी और तीसरी माइमोसॉइडी। जब भी हम फैमिली लिखते हैं तो हम लिखते हैं सी ई ए लगाते हैं, और जब सब फैमिलीज लिखी जाती हैं अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर तो हम यहाँ पे ओईडी शब्द काम में, ओईडी सफिक्स काम में लेते हैं। तो हमने लगाया पेप्लियोनॉइडी, सीजलपिनॉइडी और माइमोसॉइडी।
बेंथम एंड हुकर ने तो इनको सब फैमिलीज माना है, लेकिन बाद में बहुत सारे टैक्सोनॉमिस्ट ऐसे थे जिन्होंने इसको एक अलग अलग तीन फैमिलीज में 30 फैमिलीज कंसीडर की हैं। जब फैमिली लिखेंगे तो हम लिखेंगे पैप्लियोनेसी, सीजलपिनिएसी एंड माइमोसेसी। अभी तो हम क्योंकि बेंथम हुकर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो हम इनको तीन सब फैमिली में डिवाइड कर देते हैं, पैप्लियोनॉइडी, सीजलपिनोइडी और माइमोसोइडी। बेसिक कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, ये जो है पूरी फैमिली है इसके अंदर, क्योंकि काफ़ी बड़ी फैमिली है, बताई दिया थर्ड लार्जेस्ट फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो इसमें 690 जेनरा हैं और अप्रोक्सीमेटली 17,600 स्पीसीज इस फैमिली के अंदर इंक्लूड की गई है। नॉर्मली इंडिया के अंदर 100 जेनरा हैं, अप्रोक्सीमेटली 1100 स्पीसीज इंडिया के अंदर मिलती हैं, और ये जो इसकी प्लांट्स हैं वो सामान्यतः ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट, जिसको हम कहते हैं कटिबंधीय रीजन हो गए, उष्ण कटिबंधीय रीजन हो गए और शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः पाई जाती हैं। इसमें भी यदि हम बात करें तो माइमोसोइडी और सीजलपिनोइडी नॉर्मली उष्ण कटिबंधी सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर मिलती हैं, जबकि पैप्लियोनेसी की जो स्पीसीज हैं वो ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन के अंदर पाई जाती हैं। तो एक बेसिक डिफरेंस, जैसे मैंने कहा कि कुछ फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट किया है, तो देखिए क्या बेसिक डिफरेंस है, बाद में हम डिटेल में एक एक सब फैमिलीज को पढ़ेंगे कि हम बेसिक डिफरेंस क्या है। फ्लावर पैप्लियोनॉइडी के अंदर जाइगोमॉर्फिक होता है या सिमेट्री के बेसिस पे किया है, सीजलपिनोइडी के अंदर फ्लावर स्लाइटली इरेगुलर होता है, पूरा का पूरा जाइगोमॉर्फिक नहीं होता है, मीडियनली जाइगोमॉर्फिक आप कह सकते हैं, और माइमोसोइडी के अंदर जो पुष्प है वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है, त्रिज्या सममित होता है और यहाँ पर एक व्यास सममित होता है। कैलिक्स की यदि बात करें, गैमोसेपल्स जुड़े हुए होते हैं, संयुक्त बाह्यदली होते हैं और इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन होता है। इम्ब्रिकेट का मतलब हो गया कोरछादी प्रकार का विन्यास पाया जाता है। और सीजलपिनोइडी के अंदर जो कैलिक्स हैं, बाह्यदल हैं, वो फ्री होते हैं या यूनाइटेड भी कुछ प्लांट्स के अंदर जुड़े हुए होते हैं। माइमोसोइडी के अंदर कैलिक्स और कोरोला दोनों के अंदर वॉल्वेट एस्टाइवेशन होता है, जुड़े हुए या फिर संयुक्त या फिर मुक्त हो सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं। पैप्लियोनॉइडी के अंदर जो दल होते हैं कोरोला, पैप्लियोनेशियस कोरोला पाए जाते हैं, जैसे मैंने बताया दल टाइप ऑफ कोरोला अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो इनके अंदर पैप्लियोनॉइडी के अंदर जो फ्लावर होते हैं पैप्लियोनेशियस कोरोला पाया जाता है, उसके बेसिस पे इसको नाम दिया है पैप्लियोनॉइडी। जैसे हम मटर का यदि फूल देखें तो उसमें आपने देखा होगा ध्वजक प्रकार का होता है, तितली नुमा होता है और उसको हम कहते हैं वेक्सिलरी एस्टाइवेशन इनके अंदर पाया जाता है, ध्वजक तितली आकार। जबकि सीजलपिनोइडी के अंदर जो कोरोला है फ्री होता है और इम्ब्रिकेट प्रकार का एस्टाइवेशन होता है, माइमोसोइडी के अंदर वॉल्वेट एस्टाइवेशन होता है। अब स्टेमन्स की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस फैमिली का। जो स्टेमन्स पुंकेसर होते हैं इसके अंदर 10 होते हैं। 10 स्टेमन्स किस प्रकार के होते हैं, द्विसंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म भी है, जब मैंने टर्मिनोलॉजी कराई थी तब भी आपको बताया था कि यदि यूनाइटेड हैं तो मोनोडल्फस होते हैं, डाईएडल्फस हो सकते हैं, पॉलीएडल्फस, सिंजिनेशियस, तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है डाईएडल्फस। द्विसंगी, दो समूह में होते हैं 10 स्टेमन। कैसे होते हैं, एक पृथक प्लस 9 एक साथ जुड़े हुए होते हैं, इनको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जब फ्लोरल फॉर्मूला लिखने का तरीका बताया था तब भी बताया था यदि कोई चीज़ संयुक्त हो तो उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, तो एक अलग होता है तो उसको हमने अलग लिखा है, प्लस यदि 9 जुड़े हुए हैं तो हमने उसको 9 को ब्रैकेट के अंदर कर दिया, 9 यूनाइटेड होते हैं। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं डाईएडल्फस या द्विसंगी। सीजलपिनोइडी के अंदर स्टेमन्स की संख्या तो 10 होती है, लेकिन ये 5+5 के वर्ल में व्यवस्थित होते हैं और पृथक होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। इसमें 7+3 का अरेंजमेंट भी हो सकता है, कुछ प्लांट्स के अंदर स्टेमन्स भी होते हैं, स्टेमिनोट्स भी हो सकते हैं। तो नॉर्मली जो एक फैमिली का कैरेक्टर आता है सब फैमिली का, स्टेमन्स 10 होते हैं, पृथक होते हैं और 5+5 के दो चक्र में व्यवस्थित होते हैं। माइमोसोइडी के अंदर स्टेमन्स की संख्या 4 से लेकर इनफाइनाइट तक होती है, बहुत सारे होते हैं और ये जो स्टेमन्स हैं वो एक दूसरे से पृथक होते हैं। ये
जो तीन लेग्यूमिनेसी फैमिली है इसको तीन सब फैमिली में डिवाइड कर दिया गया है। और एक आपको आज बेसिक लेग्यूमिनेसी के बारे में बताया है, तीन सब फैमिलीज होती हैं, तीन सब फैमिलीज किस क्राइटेरिया पर तीन सब फैमिलीज डिवाइड की गई हैं, और इसका एक सिस्टमेटिक पोजीशन आपको बता दी है। नेक्स्ट में हम इन तीन सब फैमिलीज को अलग अलग डिटेल में कंपैरेटिव स्टडी इनकी हम करेंगे। थैंक यू।